मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी जहां हिंसा हुई वहां न हो चुनाव रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा हुई अब अगली सुनवाई अप्रैल को होगी तो रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गई इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा इसके साथ ही चुनाव को लेकर भी कोर्ट ने आयोग से मौजूदा स्थिति को देखते हुए बरहा बरहामपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव स्थगित करने को कहा कोर्ट ने कहा कि जहां हिंसा हुई वहां चुनाव की अनुमति नहीं है कोर्ट ने इलेक्शन से फिलहाल साफ तौर पर कहा कि इलेक्शन ऐसी जगह पर ना कराया जाए जहां पर हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद में कब हुई थी हिंसा रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा हुई थी हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मौजूदा स्थिति को देखते हुए बरहमपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव स्थगित करने को कहा मामले की एनआईए जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी कोर्ट ने कहा कि जहां हिंसा हुई वहां चुनाव की अनुमति नहीं है अगर लोग आठ घंटे शांति से किसी भी पर्व का आनंद और जश्न नहीं मना सकते तो अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी चुनाव आयोग को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव नहीं कराने की सिफारिश करेंगे तो देखिए मुर्शिदाबाद में इलेक्शन नहीं होंगे इलेक्शन ना होने का कारण है रामनवमी के दिन हुई हिंसा